أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى عبده المسيح الموعود إنك حميد مجيد। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। खाकसार अब्दुल करीम शेख के इस वीडियो कमेंट का जवाब लिया आपकी खिदमत में हाजिर है। इस कमेंट में और इसके पिछले कमेंट में इस शख्स ने ये बताने की कोशिश की है कि नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी मसीह मऊद और महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आप को अपने मुतल्लिक जो ये कहा है कि मेरी आमद जो है रसूल करीम के बेसत सानिया है, तो इससे आपने हज़रत अकरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हतक की है और आपने रसूल करीम सल्लम को कुछ भी नहीं समझा है, अपना मुकाम सबसे ज़्यादा आला बताया है। मैं तो इसका जवाब हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहरीरात के ज़रिए दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इस बात में एक बात और बताता चलूँ। ये अब्दुल करीम शेख एक ऐसा झूठा और मक्कार शख्स है जो अपने ही बातों में घिर जाता है हमेशा, और बेशर्मी की इंतहा है कि फंसता जाता है फिर भी बातें करता जाता है। अभी गुज़श्ता चंद माह पहले उसने एक वीडियो भी डाला था जिसमें ये कहा था कि मेरी बातें हो रही हैं, मेरे वालिद को जो बहेश्ती मकबरा में दफन किया गया है उसको लाश को लेकर के जाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरी बातें हो रही हैं। एक तरफ वो ये बातें करता है, दूसरी तरफ अपने इसी वीडियो में जिसका मैं ये जवाब दे रहा हूँ इसमें ये अपने वालिद अपने आबाजदाद के मतलब कुछ इन अल्फाज में ये कहता है, वो इस तरह अब वो दौर उनके लिहाज से ठीक था, यानी इनके आबाजदाद ने जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था उसके मतलब वो कहता है कि अब वो दौर उनके लिहाज से ठीक था, अपने लिहाज से इन्होंने जो सोचा वो ठीक था। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कुफार से कि क्या हम फरमाता है कुफार से क्या जो मतलब कुफार को अल्लाह ताला कुरान करीम में बताता है, क्योंकि कुफार ने जो ये सवाल किया था कि क्या हमारे आबा अजदाद का दीन गलत था, तो अल्लाह कहता है कि इनसे कहो कि जो उन्होंने किया वो उनके साथ था। यही बिल्कुल बात यहाँ पर हमारी है, जो हमारे आबा अजदाद और वालदैन ने किया वो उनके साथ था, वो ज़िम्मेदार हैं उसके, उन्होंने अपनी अकल और सूझबूझ के साथ जो समझा वो किया। जब बात ये है कि आपके आबा अजदाद ने अपनी सूझबूझ के साथ जो समझा वो किया, तो उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ वसीयत किया था, तो अगर आप कौल सदीद पर रहने वाले हैं फिर ये जो आपने कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरी बात चल रही है बहेश्ती मकबरा से वो उनके लाश मुबारक को लेके जाने की, तो क्या वो गलत है? अगर वो गलत है तो ये सही है, और अगर ये बात आपकी सही है कि उनका दीन उनके साथ मेरा दीन मेरे साथ, तो आपकी वो बात गलत थी। तो दोनों में से एक आपका झूठ है, आप के अंदर दम और खम है, तो ये बताएं ज़रा कि नहीं। आपने अभी जिस तरह कहा कि सच बोलने के लिए हिम्मत की ज़रूरत है, तो वो जुर्रत वो हिम्मत ज़रा दिखाएं, आप ये बताएं कि दोनों में से आपकी कौन सी बात सही है, ताकि दुनिया को भी मालूम हो कि आप कितने सच्चे हैं। हज़रत ये ज़िमनी बात थी जिसका ज़िक्र करना भी ज़रूरी था ताकि पता चले ये शख्स कितना शातिर है। अब मैं आता हूँ कि हज़रत मसीह मऊद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अपने आका सैयदना हज़रत ख़ातिमुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क था, उसके चंद मनाज़िर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हज़रत मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं अपने नज़म में, वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा,
नाम उसका है मोहम्मद, दिलवर मेरा यही है। क्या है? वही हमारा लीडर है, वही है जिसके ज़रिए तमाम नूर हैं। और उसका नाम क्या है? उसका नाम मोहम्मद, और यही मेरा दिलवर, मैं उसी का आशिक हूँ। ये जो बार बार कहते हैं ना कि आप मिर्ज़ा साहब की तहरीरात पढ़ें, आइए मैं भी दावत देता हूँ, मैं हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम की तहरीरात रखता हूँ, क्योंकि ये शख्स झूठा और मक्कार है, वो इन तहरीरात को नहीं दिखाएगा। और जो उसने खुतबा इल्हामिया को पेश किया है, उसका मैं जवाब अपने पिछले दो वीडियो में दे चुका हूँ कि तमाम आयमा ने रसूल करीम सल्लम की बेसत सानिया का जिक्र किया है, लिहाजा ये शख्स तो आयमा से बढ़कर अपने आप को समझता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने आप को सैयदना हज़रत अक़दस मोहम्मद अरबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा दीन का जानकार समझता है। यही वजह है कि ये बदबخت कहता है कि कोई ईसा नहीं आएगा, कोई मसीह नहीं आएगा, कोई मेहदी नहीं आएगा, जबकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा इसका जिक्र किया है। तो आज मुसलमान खुद देखें ये कितना बड़ा काज़िब व मुफ्तरी है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह रहा है नाऊज़ु बिल्लाह कि आपने गलत बयानी से काम लिया है। यानी ये आवागमन के थ्योरी को हमारे आका मता खातमुल अंबिया हज़रत अक़दस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ डालता है, और हज़रत मसीह मऊद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम के मतलब ये कहता है कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्या की। अब आप कारीन नाज़रीन खुद देखें कि कौन हत्या कर रहा है। मैं हज़रत मिर्ज़ा साहब की तहरीरात पेश करता हूँ। मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं, वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिलवर मेरा यही है। सब पाक हैं पैगंबर एक दूसरे से बेहतर, लेकिन खुदा बरतर खैरुल वरा यही है। पहलों से खूबतर है, खूबी में कमर है। क्या तारीफ है देखें, पहलों से खूबतर है, खूबी में कमर है, उस पर हर एक नज़र है बदरुद्दुजा यही है। पहले तो वो रह में हारे, पार उसने हैं उतारे, मैं जाऊं उसके बारे बसना खुदा यही है, मैं जाऊं उसके बारे बसना खुदा यही है। वो यारे ला मकानी वो दिल बरे नहानी, देखा है हमने उससे बस रहनुमा यही है। यही है वो रहनुमा, यही है हज़रत अक़दस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो एक रहनुमा के लायक हैं, एक लीडर हैं। उनके अलावा हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम को और कोई नहीं दिखता। फिर आप फरमाते हैं, वो आज शाहिदी हैं, वो ताज मुरसली हैं, वही है बादशाह दीन का, यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आज शाहिदी हैं, वो ताज मुरसली हैं, वो तैयब व अमी हैं, उसकी सना यही है। उसकी सना क्या है, क्या है रसूल करीम की सना? वो तैयब है, यानी वो पाक है, वो अमीन है। ये है सना, ये है तारीफ। वो राज दीन थे भारे, उसने बताए सारे, यानी जो दीन का राज था वो रसूल करीम सल्लम ने खोल के बताया है। वो राज दीन थे भारे, उसने बताए सारे, दौलत का देने वाला फरमाने वरवा। ये दौलत जो है ये अब्दुल करीम शेख, चूंकि हाय दौलत हाय दौलत हाय जमात अहमदिया का पैसा, वो ये समझेंगे कि दुनियावी दौलत, इससे मुराद है कि दिल की दौलत, ईमान की दौलत, तकवा की दौलत। ये आज अगर किसी को मिलना है तो सिवाए और सिवाए खातिमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े ही से मिलना है। लिहाजा भैया फरमा रहे हैं, जो राज दी थे भारे, उसने बताए सारे, दौलत का देने वाला फरमान रवा रही है। उस नूर पर फिदा हूँ, उसका ही मैं हुआ हूँ, उसी पर मैं फिदा हूँ, उसी पर मेरी जान फिदा है। उस नूर पर फिदा हूँ, उसी का मैं हुआ हूँ, वो है मैं चीज़ क्या हूँ, बस फैसला यही है, वही है सब कुछ, यानी मोहम्मद साहब मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपने इंशाल्लाह आइंदा कमेंट में इस बात को और खोलूँगा कि देखें हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम ने किस किस्म की बातें कही हैं। अगर ये शेख कहते हैं कि सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, तो लाओ दिखाओ इस तरह का एक कलाम, मैं भी देखूँ तुमने क्या क्या है। तुम्हारा मशगला म्यूज़िक ये रसूल करीम का नहीं था ना, नऊज़ु बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।